स्काउट्स एंड गाइड की विंग कब बुलबुल के बच्चों का सम्मान समारोह जींद में आयोजित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे कब यानी बच्चे बुलबुल यानी बच्चियाँ, जितना प्यारा नाम उतने ही प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने प्रदेश भर में जो है लगातार कई जगह कैंप आयोजित करवाकर, चाहे एक्टिविटी की बात करें, अनुशासन की बात करें, पढ़ाई की बात करें और तमाम तरह की एक्टिविटीज़ में प्रथम स्थान पाया है, गोल्डन एरो अवार्ड हासिल किया है। उनके लिए सम्मान समारोह निश्चित सबसे बड़ी बात है कि बचपन से ही ये अपना जो है भविष्य निर्माण कैसे करना उसके बारे में इन लोगों ने सीखा, इन बच्चों ने सीखा है। एक वास्तव में काबिले तारीफ इन बच्चों की ये जो है पहल है। देख सकते हैं किस प्रकार वर्दी में बिल्कुल अच्छे तरीके से नज़र आ रहे हैं। काफ़ी बच्चे बचपन से ही अपना जो है चरित्र निर्माण की बात करें या फिर अपना करियर जो है उसकी बात करें, बचपन से ही सीखना शुरू कर देते हैं कब बुलबुल क्या होता है और कैसे काम करता है। इस पर बात करने के लिए इनके जो संचालक हैं राजेश वशिष्ठ, हमारे साथ उनसे जानते हैं। राजेश जी, कैसे कब बुलबुल काम करता है और क्या आज कार्यक्रम इन बच्चों के लिए किया गया है? प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं लड़कों को कब बोलते हैं और लड़कियों को बुलबुल बोलते हैं, तो कब और बुलबुल की जो गतिविधियाँ होती हैं वो टोटली खेल खेल के माध्यम से होती हैं। पलेवे मेथड के द्वारा बच्चों को अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। कई बार होता क्या कि आजकल रटने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये गतिविधियाँ बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाती हैं कि किस प्रकार से हमने एक अच्छा नागरिक बनना है और अच्छे नागरिक के साथ में हमने अच्छे काम कैसे करने। ऐसे है कि भी बच्चों को कई बार ये समझाया जाता है कि अब आपने अच्छा काम करना है, लेकिन बच्चे जो हैं छोटे बच्चे होते हैं, हो सकता है कि वो उसका उल्टा असर लें उसमें। लेकिन जब गतिविधियां हम करेंगे तो बच्चे उसमें इंजॉय लेंगे और इंजॉय के साथ में वो बच्चे अपने जीवन के धरातल पर आने वाली चीज़ों को वास्तविक रूप से करेंगे। आज क्या कार्यक्रम रखा गया और इन बच्चों ने किस लेवल को पार किया है और क्या क्या एक्टिविटी की हैं और क्या इनको अवार्ड जो है सम्मानित किया जा रहा है? आज इन बच्चों को जिला स्तर पर सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है। इन बच्चों ने प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण, चार चरण की जो ट्रेनिंग होती है उन चरण ट्रेनिंग को कंप्लीट किया है इन बच्चों ने, और उसके बाद में राज्य स्तर पर इन बच्चों ने अच्छा काम किया तो नेशनल लेवल पर इन बच्चों की प्रतिभा को निखारा गया है। इनको माना कि हाँ इन बच्चों में वास्तव में योग्यता है और गोल्डन एरो अवार्ड जो हाईएस्ट अवार्ड होता है प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए, तो वो अवार्ड दिल्ली में इन बच्चों को दिया गया था। तो आज इन सभी बच्चों को वो सर्टिफिकेट हमारे पास आ चुके हैं, तो उन सर्टिफिकेट को देकर के इन बच्चों को हम जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा सम्मानित करवाने का कार्यक्रम कर रही है। बिल्कुल, जिस प्रकार आपने बताया कि बच्चों ने बचपन से ही अपने भविष्य निर्माण के लिए पहला कदम उठा दिया और चार चरण पार करते हुए एक कामयाबी की सीढ़ी कह सकते हैं उसको हासिल किया है। कुछ बच्चे उनसे ही जान लेते हैं क्या क्या सीखा है। बच्चे, क्या नाम आपका? टीना। क्या क्या सीखा आपने कब बुलबुल में? कब बुल वो बुलबुल में हमने बुलबुल के नियम सीखे हैं। बुलबुल क्या करते हैं, क्या होते हैं? बुलबुल लड़कियां होती हैं, वो बुलबुल आज्ञाकारी भी होती है और स्वच्छ और निम्न भी होती है। वेरी गुड। क्या नाम बेटा? नियति। नियति, आपने क्या क्या सीखा बुलबुल में जो एक्टिविटी होती हैं, क्या क्या एक्टिविटी की आपने? बुलबुल क्लब, रेन क्लब, प्रतिज्ञा, गीत और बहुत कुछ किया। तो कैसा लगता है कब बुलबुल में, जैसे आप ये ऐसे वर्दी पहनते हो, एक्टिविटी करते हो बच्चों के साथ में, कैसा लगता है आपको? हमें बहुत अच्छा लगता है। तो क्या बनोगे बड़े होके? डॉक्टर। वेरी गुड। कुछ और बच्चे उनसे जान लेते हैं। बुलबुल हैं, बड़े प्यारे बच्चियां हैं, और कब यानी कि बच्चों को कब बोलते हैं, क्या नाम है आपका और क्या एक्टिविटी आपने इसमें सीखी है, जो कैंप आपने लगाए हैं और ये जो एक्टिविटी करवाते हैं? मेरा नाम राहुल है और मैं राजगढ़ डोबी से हूँ। हमने रेन क्लैप सभी चीज़ सीखी है, हमने कार डांस, भालू डांस, क्लैप, कब गीत, कब प्रतिज्ञा और सभी चीज़ सीखी है। कब प्रतिज्ञा क्या होती है, क्या सीखते हैं प्रतिज्ञा के अंदर? कब प्रतिज्ञा ये होती है कि मैं कब प्रतिज्ञा बिल्कुल मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, कब नियम मानूंगा और प्रतिदिन भलाई के कार्य करूंगा, एक कब प्रतिज्ञा होती है। बचपन से ही एकता और अखंडता की बात बच्चे सीखते आ रहे हैं। आपने क्या क्या सीखा है अब तक इन एक्टिविटी? मेरा नाम साहिल है, मैं राजगढ़ डोबी से हूँ। मैंने वहाँ जाकर का डांस सीखा, गीत सीखी और हम माने के बड़ों का ये हमें और कब
और हमें कब प्रतिज्ञा सीखी और दो नियम सीखे कब के और कबिंग में आने को जी चाहता है और ये भी हमें सीखा। बिल्कुल, खेल खेल में बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा है। और पहले जैसे कहते थे कि खेलेगा कूदेगा बनेगा खराब, पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे खेल खेल के साथ एक्टिविटी के साथ बहुत कुछ सीखते हैं और यही साबित किया है स्काउट्स एंड गाइड की विंग ने। और कब बुलबुल में आकर इन बच्चों ने अपनी कामयाबी की तरफ जीवन के प्रति पहला कदम बढ़ा दिया है, जो कि काबिल तारीफ है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ विजेंद्र कुमार, पंजाब केसरी, जींद।